ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर प्रैक्टिकल सेशन ऑफ दिस यूनिट MySQL. सो हेयर आई एम क्रिएटिंग अ न्यू टेबल दैट इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड. सो दिस जिम टेबल वी आर गोइंग टू क्रिएट. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू आर वॉचिंग, वॉट यू आर सीइंग इज MySQL कमांड लाइन प्रॉम्प्ट. ओके, आई हैव चेंज इट्स कलर टू वाइट, फ्रॉम ब्लैक टू वाइट आई हैव चेंज इट, एंड द टेक्स्ट ऑल्सो फ्रॉम ब्लैक वाइट टू ब्लैक आई हैव कन्वर्टेड. You can also change the color of this MySQL command prompt. You have to go on default and here you have to change the color from this portion. Okay, so whatever background color you want, select that from this palette. Okay, so like this you can also change. So let's move forward. In today's video I will also speak in Hindi because many students don't understand how to do this. Okay, so starting se start karte hain. Sabse pehle password daloge. So राइट योर पासवर्ड. अब क्या करना है आपको, हम पुराना डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं जो आपने पहले क्रिएट किया था. तो मैंने स्कूल नाम से एक डेटाबेस क्रिएट किया था. अब डेटाबेस क्या होता है वो समझा रही हूँ मैं आपको. डेटाबेस एक तरीके से एक कंटेनर होता है. आप ऐसे समझो एक बॉक्स है, उसके अंदर हमें बहुत सारे आइटम्स प्लेस करने हैं. तो आइटम्स क्या हो गए, टेबल्स हो गई, और टेबल्स के अंदर भी कुछ वैल्यू होगी. सपोज एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें हमें स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस डालने हैं, और उन बॉक्सेस में भी कुछ ना कुछ आइटम होगा. तो जो बड़ा बॉक्स है वो डेटाबेस हो गया, छोटे बॉक्सेस जो हैं वो टेबल्स हो गए, और उन टेबल्स के अंदर भी हमारे पास कुछ डेटा है तो वो टेबल्स के वैल्यूज़ हो गए. ठीक है, तो अब हम जो कंटेनर है हमारा डेटाबेस वो यूज़ कर रहे हैं. तो मैंने मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मेरे पास पहले से कौन कौन से डेटाबेसेस बने हुए हैं. तो उसके लिए मैं कमांड लिखूँगी शो डेटाबेसेस. वैसे मुझे नाम पता है मेरे डेटाबेस का, मेरे डेटाबेस का नाम स्कूल है. ठीक है, बट आपको दिखाने के लिए अगर आपको डेटाबेस का नाम याद ना हो तो आप ये वाली कमांड से अपना डेटाबेस का नेम चेक कर सकते हो कि आपके पास क्या क्या डेटाबेसेस बने हुए हैं. ठीक है, तो आपने ये कमांड लिखा तो ये सब डेटाबेसेस मेरे पास मेरे डेटाबेस में क्रिएटेड है ऑलरेडी. तो मुझे स्कूल वाला यूज़ करना है, तो मैं लिखूँगी यूज़ स्कूल. अब आपने जब डेटाबेस क्रिएट किया था तो आपने क्या नाम दिया है वो नेम आप यहाँ पे चेक करोगे और उसको यूज़ करोगे. अब इस डेटाबेस में मेरे पास एक टेबल पहले से बनी हुई है स्टूडेंट नेम की, मैं आपको दिखाती हूँ. और अभी जो हम बनाएंगे वो भी हम सेम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे जिसका मैं नाम दूंगी जिम. ठीक है, तो अभी मैं आपको टेबल्स दिखा रही हूँ कि मेरे डेटाबेस में क्या क्या टेबल्स हैं. तो मैं लिखूँगी शो टेबल्स, ये कमांड है SQL की जो टेबल्स को शो करती है. ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल दिखा रहा है, अभी एक टेबल है. अभी मैं एक और टेबल क्रिएट कर रही हूँ जो आपको यहाँ पे दिख रही है, क्वेश्चन है हमारा. तो जिम नाम की टेबल क्रिएट करेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिखा है जिम क्रिएट करने के लिए क्वेरी लिखूँगी मैं क्रिएट की. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्रिएट की क्वेरी. क्रिएट टेबल, टेबल का नेम डालना है. टेबल का नेम यहाँ पे गिवन है आपको जिम. कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल में लिख सकते हो, इट इज़ अप टू यू. तो मैं कैपिटल में लिख रही हूँ जी, और वाई एम स्मॉल में लिख रही हूँ, मैं पूरा स्मॉल में लिख देती हूँ. ठीक है, क्रिएट टेबल जिम हो गया. अब क्रिएट टेबल नेम के बाद हमें क्या करना होता है, कॉलम नेम देने होते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम नेम क्या दिख रहा है आपको, PR कोड, और इसकी वैल्यूज एनालाइज करो यहाँ से. तो PR कोड में हमारे पास वैल्यू है P101. ना तो ये पूरा इंटीजर है ना ये पूरा अल्फाबेटिकल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक वेयर केयर डेटा टाइप है. ठीक है, वेयर केयर का मतलब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होल्ड कर सकता है वो. ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले कॉलम नेम देंगे कि हमें फर्स्ट कॉलम नेम क्या इंसर्ट करना है. तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो आप PR कोड, पी कैपिटल है, तो मैं अभी सेम ही लिखूँगी यहाँ पे. ठीक है, कैपिटल PRCODE कोड. आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने राइट हैंड साइड पे पैनल में जाके, सी कैपिटल है तो एक बार सी कैपिटल ही कर देते हैं. जो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको वैसा ही कॉलम नेम देना है. ठीक है, PR कोड लिखा हमने, ये कॉलम का नेम हो गया. अब किस तरीके की वैल्यूज होल्ड करेगा उसका डेटा टाइप देना होता है हमें, ये सिंटेक्स होता है. ठीक है, अब ये मैंने दिया इसको वेयर केयर, वेरिएबल कैरेक्टर, क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, पी भी आ रहा है और अल्फ़ाबेट वन और नंबर्स भी आ रहे हैं 101. और साइज़ आप इसको कुछ भी वैल्यूज़ दे सकते हो, 1 से लेकर 255, ये आप पे डिपेंड करता है. क्योंकि जो वेयर केयर होता है उसका साइज़ 0 to 255 हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पे 27 कर दी, आप 28, 27, 25 कोई भी वैल्यू दे सकते हो. ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम के लिए मैंने लिखा, इसका स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम का. कॉमा लगाया, अब मुझे सेकंड कॉलम लिखना है. तो सेकंड कॉलम का नेम दूंगी मैं PR नेम. अब आप यहाँ से वैल्यूज़ चेक करो राइट हैंड साइड में कि इसमें कैसी वैल्यूज़ होल्ड कर रहा है. ये सिर्फ कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रिंग्स हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं. तो हम इसको डेटा टाइप देंगे वेयर केयर. ठीक है,
तो वेयर केयर लिखा मैंने, साइज दे दो इसको कुछ भी, 27 दे दिया हमने साइज, ठीक है, कॉमा लगाया। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास कॉलम नेम यूनिट प्राइस, तो यूनिट प्राइस कॉलम नेम डाल देंगे हम। अब यहाँ देखो आप वैल्यूज इंटीजर हैं, ठीक है, तो मैं कोई साइज नहीं दूंगी, सिर्फ इंटीजर डिफाइन करूंगी। इंटीजर पूरा लिख सकते हो या सिंपल INT इंट भी लिखोगे तो भी ये आपकी वैल्यूज एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट कॉलम है मेरा मैन्युफैक्चरर, ठीक है, यहाँ पे आप टेबल से देख सकते हो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर का डेटा टाइप कैसा है, वेयर केयर दिख रहा है, अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, तो वेयर केयर लिखा मैंने, वेयर केयर। अब वैल्यू आप इंसर्ट कर, साइज कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने 30 साइज दे दिया जैसे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये तो जो ब्रैकेट है ये तो हमारा साइज का ब्रैकेट है जो आपको फर्स्ट दिख रहा है ये, ठीक है, ये वाला साइज का हुआ ओपन और ये क्लोज। अब मुझे ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाऊं, क्योंकि ये सब कॉलम्स के नेम यहाँ से स्टार्ट हुए ना, तो जितने ब्रैकेट ओपन है उतना ही क्लोज होगा, तो ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज किया और सेमी कॉलम। तो ये हमारी क्रिएट की क्वेरी पूरी हुई। अब आपको एंटर प्रेस करना है एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो अब चेक कर लेते हैं एरर भी क्या आ रही है। वेयर केयर राइट सिंटेक्स टू द नियर वेयर केयर 27, ये है हमारा PR नेम। ओके लिसन, मिस्टेक्स होती हैं, तो वेयर केयर की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, तो आप उसको करेक्ट करोगे, करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे आके, ये मिस्टेक आपकी भी आ सकती है, तो स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, वेयर केयर किया मैंने, ठीक है। क्वेरी पूरी कंप्लीट हो गई, कर्सर को नीचे ले आते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं, ठीक है, एंटर प्रेस किया मैंने, क्वेरी ओके, ठीक है, तो कोई एरर नहीं है, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। इसका मतलब अब क्या हुआ है, क्रिएट करने से सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ है आपका, वैल्यूज नहीं आई है उस टेबल में, वैल्यूज तो हमें इंसर्ट करनी होगी, ठीक है। तो अब फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं DESC से और टेबल नेम से। तो टेबल नेम क्या है हमारा, जिम, स्मॉल कैपिटल जो नेम आप रखोगे वो वाला नेम आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद क्या करेंगे हम, अभी हमने सिर्फ एक मतलब एक एम्प्टी टेबल क्रिएट कर ली जिसमें ये कॉलम्स है हमारे पास, अब हमें उसमें वैल्यूज़ भी इंसर्ट करनी है। तो वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं हम, इंसर्ट की क्वेरी आपको ये जैसे जैसे आप टेबल्स बनाते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, सारी क्वेरीज आपको रिमेंबर हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं अब हम, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम क्या है हमारा, जिम, तो जिम लिखेंगे हम। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ में एस भी लगाना है, वैल्यू नहीं लिखना खाली, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया आपने। अब इसके बाद हमें वैल्यूज़ किस किस की डालनी, तो सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारी, वेयर केयर है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो वेयर केयर होगा वो हम कोट्स में लिखेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू को हमें लिखना है कोट्स में, तो सिंगल कोट्स लगा सकते हो या डबल कोट्स लगा सकते हो, तो मैं डबल कोट लगा देती हूँ, उससे कोई इशू नहीं होगा, 101। आप यहाँ पे वैल्यू चेक करो, जो वैल्यू यहाँ गिवन होगी वही वैल्यूज़ आपको इंसर्ट करनी है, तो 101 हमारी किसकी वैल्यू है, पी कोड की। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वैल्यू लिखी, डबल कोट्स क्लोज किया, ये फर्स्ट कॉलम की PR कोड हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, कॉमा। अब दूसरा हमें क्या इंसर्ट करना है, PR नेम, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ क्रॉस ट्रेनर, ठीक है, क्रॉस ट्रेनर, यहाँ बीच में स्पेस छोड़ सकते हो आप, ठीक है, लेकिन डबल कोट्स लगाना मैंने छोड़ दिया है, आप लगाओ डबल कोट्स, ठीक है, ध्यान रखना है ये क्रॉस ट्रेनर, स्पेलिंग ठीक कर लो, क्रॉस ट्रेनर, डबल कोट्स क्लोज, ठीक है, ये हमारा कोड हो गया। अब हमें यूनिट प्राइस डालना है, अब यूनिट प्राइस क्या है इसमें, 25,000 है, ये हमारा इंटीजर वैल्यू, तो इसके लिए हम कोट्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, कॉमा। यूनिट प्राइस के बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरर का नेम देखना है हमें, मैन्युफैक्चरर का नेम क्या है, A1 फिटनेस, तो ये कोट्स में आएगा, सिर्फ इंटीजर्स कोट में नहीं आते हैं, बाकी सब चीज़ें हमें कोट्स में लिखनी होती है, A1 फिटनेस, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला जो ब्रैकेट है हमारा फर्स्ट ओपन, इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे, सेमी कॉलन लगाएंगे, एंटर करेंगे, रो इफेक्टेड हो गई। अब हम ये चेक कर लेते हैं ये वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं हुई, तो सेलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारा, जिम, तो जिम, सेमी कॉलन, एंटर, ये फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट हो गई। सिमिलरली अब आप बाकी की कॉलम्स की जो वैल्यू है हमारे रोज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो आप इंसर्ट करोगे, उसके लिए आप एरो की यूज़ कर सकते हैं जो प्रीवियस क्वेरी, उसके लिए यहाँ पे अब क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी है हम क्विकली इंसर्ट कर लेते हैं, आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है बाकी की वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2
सेकंड वैल्यू है हमारे पास ट्रेडमिल, तो मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ इसकी। अगर आप उससे जल्दी लिख सकते हो विदाउट चेंजिंग दिस तो आप वो भी कर सकते हो, आपको सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट करनी है, वो आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हो। 32,000 और एजी फिट लाइन। ये सेकंड हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये हो गई सिलेक्ट की क्वेरी से चेक कर लेते हैं दूसरी वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू इंसर्ट हो गई। ऐसे हम थर्ड वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ ले आओ आप, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 के बाद इसकी वैल्यू इंसर्ट कर दो आप। थर्ड, इसकी थर्ड पे हमारी है पीआर नेम मसाज चेयर, तो आप वो डालोगे चेयर। इसके बाद हमारे पास इसकी क्वालिटी यूनिट प्राइस है 20,000। चेंज कर देते हैं हम एक्सप्रेस, ठीक है। ये वैल्यू हो गई हमारी। फिर से आप एंटर की क्वेरी प्रेस कर दो, सिलेक्ट की क्वेरी से चेक कर लो कि थर्ड वैल्यू भी इंसर्ट हो गई। ऐसे ही 4 और 5 भी मैं आपको इंसर्ट करके बता देती हूँ, ठीक है। फोर्थ वैल्यू इंसर्ट करते हैं हम, 4। अब फोर्थ को मैं आपको डिस्प्ले करके नहीं दिखाऊंगी, 4 और 5 को हम साथ में डिस्प्ले करेंगे। फोर्थ में हमारे पास वैल्यू है वाइब्रेशन और A1 फिटनेस इसका नेम है। ठीक है, अब देखो आप, इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है और वापस से मैं लास्ट वाली को भी एग्जीक्यूट करके और फिर डिस्प्ले करूँगी। ये 5 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास बाइक, बाइक की वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। आई थिंक दैट इज़ ओके। ओके, नेक्स्ट, नाउ वी हैव इंसर्टेड ऑल द 5 रोज, सो लेट्स चेक इट। सो दिस इज़ आर टेबल विद द 5 वैल्यूज। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू परफॉर्म प्रैक्टिकल दैट आई हैव गिवन यस्टरडे टू यू। सो वी हैव कम्प्लीटेड दिस। नाउ आई एम परफॉर्मिंग अदर क्वेरीज ऑन दिस, लाइक आई हैव गिवन यू द ऑल्टर क्वेरी, सो वी आर मेकिंग एन ऑल्टरेशन इन दिस। सो आई एम डिस्प्लेइंग दोज क्वेरीज हेयर वंस अगेन, ओके, सो दैट देर विल बी नो कन्फ्यूजन टू यू रिगार्डिंग द SQL क्वेरीज। सो हेयर आई एम चेंजिंग इट्स ऑल्टरिंग इट, सो फॉर दैट आई एम एडिंग अ न्यू कॉलम इन दिस एग्जिस्टिंग टेबल दैट इज एड्रेस। ओके, सो चेक इट आउट, alter table, what is my table name, Jim, so Jim, and now I want to add a new column, so I'm writing add address, address is my new column name, okay, and then it's data type, so varchar type values it will hold, okay, so varchar and then give the size, so I'm giving a 30 size and then putting enter. So this query is affected. Now if I want to check my table, see this is the address column and it is holding null values. Now this is all this we have added a new column. Now if I want to delete this column, then I have to use the alter query. So I am using the alter query, and then in this, in place of add, I am just writing drop, because I am just displaying you how alter query work. Okay, address column we have to drop, so it doesn't require any data type. Okay, so like this, again checking this query, so see that column is gone. क्या किया है हमने, एक नया कॉलम ऐड किया था एड्रेस नाम का, जिसको हमने ऐड किया, उसके बाद हमने डिस्प्ले किया तो उसमें ऑटोमेटिकली नल वैल्यूज असाइन हो गई, क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज़ नहीं डाली थी, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यूज़ ले सकता था, वो हमने स्टार्टिंग के डेफिनेशंस में दिया हुआ था। अब उसके बाद क्या किया, हमें कॉलम हटाना है, तो हमने ड्रॉप ऑल्टर में ड्रॉप कमांड यूज़ करके और उस कॉलम को हटा दिया, तो हमारी टेबल कैसी हो गई, जैसी पहले थी, ठीक है। तो हमने इसको इसमें चेक कर लिया कि हम ऑल्टर क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इंसर्ट में एक डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ, जिसका नेम जो है PR कोड, PR नेम, वो मैं क्रॉस ट्रेनर डाल रही हूँ फिर से, ठीक है। एक इंसर्ट की क्वेरी लगा रही हूँ फिर से, जिसमें PR जो कोड है उसका, वो तो मैंने 6 कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्रॉस ट्रेनर उसमें नेम ऐड कर दिया। ये इसलिए कर रही हूँ मैं, क्योंकि हम इस पर डिस्टिंक्ट क्वेरी यूज़ करेंगे, ठीक है। क्रॉस ट्रेनर,
जो पहले हमारे आप इस टेबल में देखोगे ना फर्स्ट रिकॉर्ड है उसका नेम मुझे सेम चाहिए बस। ठीक है, अब मैं इसको एंटर कर देती हूँ। क्वेरी इफेक्ट हो गई, सिलेक्ट की क्वेरी लगा के चेक कर लेते हैं। अब देखो आप 6 हैं तो पीआर नेम, दो नेम रिपीट हो रहे हैं, क्रॉस ट्रेनर दो बार आ रहा है। तो मुझे इस पर क्या करना है, मुझे इसमें सिंगल वैल्यू चाहिए नेम्स की, प्रोडक्ट जो कि पीआर जो नेम है हमारे प्रोडक्ट नेम उनकी। तो उसके लिए मैं डिस्टिंक कीवर्ड लगा के और चेक करूँगी इसको कि सिंगल नेम ही डिस्प्ले करें। ठीक है, तो आप देखो मैं क्वेरी लगा रही हूँ, हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट PR नेम, सिर्फ एक ही कॉलम डिस्प्ले करवाना है मुझे, सारे चाहिए होंगे तो स्टार लगाते हैं। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नेम क्या है हमारा, जिम, तो जिम लिखा, ये एंटर। तो अब आपने देखा कि कितने कॉलम्स आ रहे हैं, एक क्रॉस ट्रेनर एक है, ट्रेडमिल सिंगल है वो वैसा ही आ रहा है, मसाज चेयर सेम आ रहा है, वाइब्रेटर ट्रेनर सेम आ रहा है, बाइक आ रहा है, एक क्रॉस ट्रेनर हट गया क्योंकि ये दो बार रिपीट हुआ है। तो डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए हम डिस्टिंक कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो हमने वो किया है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि जो यूनिट प्राइस है मुझे इसका 5% कैलकुलेट करके रखना है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन बता रही हूँ मैं आपको, ये जो टेबल है एग्जिस्टिंग टेबल जिम, इसमें जो ये यूनिट प्राइस है मुझे इसका 5% कैलकुलेट करना है इन इस सब का, तो वो मैं कैसे करूँगी। तो उसके लिए मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ करने हैं, तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जिम, इसी में ऑपरेशन लगाऊँगी। तो सिलेक्ट स्टार की जगह मैंने किया सिलेक्ट यूनिट प्राइस, मैं नेम और ये दोनों यूनिट प्राइस डिस्प्ले करवाऊँगी, तो सिलेक्ट पीआर नेम, ठीक है, कॉमा। अब 5% किसका निकालना है, यूनिट प्राइस का, तो मैंने लिखा 5/100 इनटू, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और किसका निकालना है, यूनिट प्राइस का, तो यूनिट प्राइस, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो हम क्या कर रहे हैं, ये मल्टीप्लीकेशन मतलब इसका 5% निकाल के और वो डिस्प्ले करवा रहे हैं यूनिट प्राइस का। ठीक है, तो हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एरर आ रही है। ओके, यूनिट प्राइस में स्पेस नहीं आएगा, तो आप ये स्पेस रिमूव करो क्योंकि हमने कॉलम नेम में स्पेस नहीं दिया, ये इसको अलग अलग कंसिडर करेगा। ठीक है, अब देखो ये 5% आ गया जो हमारी ये वैल्यू, तो 25,000 का 5% क्या होता है, 1250। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो आप कि जो कॉलम नेम गिवन है ये हमारा परसेंट, ये पूरा वैल्यूज़ की फॉर्म है, तो मुझे इस पे एलियास लगाना है, मैं इसका कॉलम नेम चेंज करना चाहती हूँ। तो मैं सेम क्वेरी लिखूँगी ये, और इसमें यहाँ पे इसका नेम चेंज कर दूँगी, मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एज़ यूनिट प्राइस, तो मैंने इसको एलियास दिया एज़, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको यूनिट प्राइस, स्पेस के साथ देना है मुझे अगर। ठीक है, डबल कोट्स लगाया और एंटर किया। अब देखो आप ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाया उसको हमने एक रीनेम करके यूनिट प्राइस दे दिया, तो ये दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो SQL में। ठीक है, ये आपको क्वेरीज में पूछा जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन कि 5% निकालना है, 10% निकालना है किसी वैल्यू का, तो आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करोगे। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट हमने एलियास देख लिया, इसमें अब वेयर क्लॉज यूज़ करके देख लेते हैं। मुझे रिकॉर्ड चाहिए कि आप टेबल से देखते हैं, हम मुझे इस टेबल से ये रिकॉर्ड चाहिए कि जिसकी वैल्यू 20,000 है यूनिट प्राइस, उसका नेम आ जाए। तो उसके लिए मैं क्वेरी लगाऊंगी सिलेक्ट की, सिलेक्ट क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो पीआर नेम यहाँ पे लिखेंगे हम, सिलेक्ट पीआर नेम फ्रॉम टेबल का नाम क्या है हमारा, जिम, तो हमने लिखा जिम। अब कंडीशन क्या है, मुझे मेरे पास ये कंडीशन है कि जहाँ पे भी यूनिट प्राइस 20,000 है उसका मुझे पीआर नेम और मैन्युफैक्चरर चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देती हूँ, मुझे मैन्युफैक्चरर भी चाहिए उसका, कॉमा मैन्युफैक्चरर, ओके। और कंडीशन अब मैं यहाँ दे रही हूँ वेयर यूनिट प्राइस, यहाँ पे कॉलम में आप स्पेस नहीं दोगे क्योंकि हमने जो कॉलम क्रिएट किया उसमें स्पेस नहीं दिया, वरना वो गलत हो जाएगी आपकी क्वेरी। ठीक है, 20,000 और सेमी आ गया मसाज चेयर, तो पर्टिकुलर वेयर क्लॉज का यूज़ भी हो गया इसमें।
ठीक है। इसी तरीके से आप अर्थमैटिक, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हो, और हमने इन बिटवीन ये सब को देखे थे हमारे पहले। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पैरेंथेसिस कैसे यूज़ कर सकते हैं क्वेरीज में, जो हमारी लास्ट क्लास थी पार्ट 6 के वीडियो में था, मैं आपको वो बता रही हूँ। या पहले हम एक बार सॉर्टिंग कर लेते हैं। अगर आपको अरेंज करने हैं, ये जो टेबल है हमारी, ये देखो आप, इसमें जो ये नेम्स दिख रहे हैं ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं है। अगर आप इनको सॉर्ट करना चाहते हो अल्फ़ाबेटिकली, तो हम ऑर्डर बाय लगा के इनको सॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ। इसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट, क्या सॉर्ट करना है हमको, नेम सॉर्ट करना है, तो PR नेम फ्रॉम टेबल नेम जिम, ठीक है। उसके बाद लिखोगे आप ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय में स्पेस आएगा, और उसके बाद आप नेम दोगे कि किसके बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है। नेम्स को ही सॉर्ट करना है और अल्फ़ाबेटिकली करना है, तो ये क्वेरी लगाओगे। अब देखो बी ऊपर आ गया, बी सी अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गए। अगर आपको नेम्स नहीं चाहिए, नेम्स के साथ आपको यहाँ पे कुछ और चाहिए नेम्स के बेसिस पे अल्फ़ाबेटिकली, तो हम जैसे यूनिट प्राइस कर लेते हैं, तो ये यूनिट प्राइस सॉर्ट हो गई आपकी नेम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बाइक की यूनिट प्राइस आप देखो यहाँ पे थर्ड, यहाँ आप क्रॉस चेक करो, बाइक हमारा सबसे पहले ये सॉर्टिंग हुई है और हमने डिस्प्ले नेम्स नहीं करवाए, हमने यूनिट प्राइस करे, तो बाइक की प्राइस आ रही है सबसे पहले, फिर क्रॉस ट्रेनर की आएगी। क्रॉस ट्रेनर में भी आपकी ये देखो अल्फ़ाबेटिकली कौन सा क्रॉस ट्रेनर है, 25 वाला, ये वाला, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। फिर हमने एक और क्रॉस ट्रेनर इंसर्ट किया था 13,000, तो वो आ गया। उसके बाद आपका मसाज चेयर की प्राइस आ रही है, और फिर उसके बाद ट्रेड मील की आ रही है, और लास्ट में आपकी वाइब्रेटर वाइब्रेशन ट्रेनर की आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही आपको और बाकी सारी क्वेरीज परफॉर्म करनी है, और ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम आती है देन वी विल टॉक इट अबाउट इट, ओके। सो अगर आपको SQL से क्विट करना है अभी, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्विट, ओके, तो आपका SQL क्लोज हो जाएगा।